भारत के पूर्व क्रिकेटर अमित मिश्रा ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के समर्थन में एक ट्वीट करने के बाद शाहिद अफरीदी को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने एक ट्वीट पोस्ट किया है जिसमें दोषी आतंकवादी के लिए अपना समर्थन दिखाया था। जिस दिन दिल्ली की एक अदालत आतंकी फंडिंग से संबंधित अपराधों के लिए सजा की मात्रा की घोषणा करने वाली थी, अफरीदी ने अपने पोस्ट में भारत पर महत्वपूर्ण आवाजों को चुप कराने का आरोप लगाया और दावा किया कि मलिक के खिलाफ आरोप मनगढ़ंत है। यासीन मलिक को आज टेरर फंडिंग केस में सजा सुनाई जानी। इस बीच अलगाववादी नेता यासीन मलिक को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक विवादित और भड़काऊ ट्वीट किया। अफरीदी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत के मानवाधिकार हनन के खिलाफ आलोचना करने वालों की आवाज दबाने के लगातार प्रयास काम नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, पूर्व क्रिकेटर ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया और लिखा कि यासीन मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप कश्मीर की आजादी के संघर्ष को रोक नहीं पाएंगे। इस पर भारतीय क्रिकेटर अमित मिश्रा ने अफरीदी को मुंहतोड़ जवाब दिया। अमित मिश्रा ने लिखा कि डियर शाहिद अफरीदी, यासीन मलिक ने कोर्ट रूम में खुद को दोषी माना है। तुम्हारी जन्मतिथि की तरह सब कुछ गुमराह करने वाला नहीं हो सकता है।